अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान हूं, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं खैरियत से होंगे। जी डॉक्टर साहब जी, तो दोस्तों आज एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। वाओ, हमारे पास जो एक हमारे दोस्त का कमेंट्स आया था कि भाई इस वीडियो पे ये रिएक्शन दें सिमल, तो हम गुड वेरी गुड वीडियो का जो रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियन डोमिनेशन बाय मोस्ट मेजर कंपनीज सीईओस। तो चलते हैं वीडियो की जाने वर्ल्ड अफेयर्स। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो ट्वीट आप अपने सामने देख रहे हैं आज के समय वायरल हो चुकी है। यहां पर पैट्रिक कोलिसियन, पैट्रिक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये सीईओ हैं ऑफ स्ट्राइव। स्ट्राइव अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा। पेमेंट्स रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है ये लोग डेवलप करते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आज के समय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम, पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स, उसके अलावा अब तो ट्विटर भी, इन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ ये अब इंडियन है। मतलब के जो इंडिया में पैदा हुए थे अब यूएस में आ चुके हैं। ये लोग अमेरिका की जो मेजर कंपनीज हैं इनको संभाल रहे हैं। और आगे कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि इंडिया ने कितनी सक्सेस हासिल करी है और अमेरिका कितनी अपॉर्चुनिटी देता है इमिग्रेंट्स को, बाहर के लोगों को अपने देश में आके काम करने के लिए। और इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल यूएसए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है इंडियन टैलेंट से। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम जश्न मनाएं, जिसको लेकर हम खुश हों, क्योंकि घूम फिर के हमारा टैलेंट हुआ क्या है कि हमारा टैलेंट जो इंडिया में काम कर सकता था, जी जी, जो इंडिया में कंपनीज क्रिएट कर सकता था, वो इंडिया से बाहर चला गया। और अब यूएसए में जो इनकी मेजर कॉरपोरेशन है उनको संभाल रहे हैं। सैड बात है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन को लेकर हम खुशियाँ क्यों बनाए? देखिए एक टाइम पर बिल्कुल ऐसा होता रहा मगर आज के समय ये काफी तक रुक चुका है। जी पिछले 6 से लेकर 7 साल में आप अगर देखो तो इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है, स्टार्टअप इंडिया के अंडर इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज ओपन हुई है। मैं खुद आज के समय अकेडमी आप अगर देख लो एक स्टार्टअप का एग्जांपल है। ऐसी बहुत सी स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में खड़ी हुई हैं। आज के समय इनकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जारी है। अच्छा। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंडिया अपना टैलेंट रिटेन करने की तरफ फोकस कर रहा है। कई इंडियंस हैं जो बाहर जाने के सिवाय ये सोचते हैं कि क्यों ना इंडिया में काम करें, हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाए, हम इंडिया में एप्स डेवलप करें, इंडिया में कंपनीज बिल्ड करें। तो अब धीरे धीरे मैं कहूँगा उस एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट आई है। मगर ज़्यादातर आज के समय जो यूएस कंपनीज के सीईओ आपको मिलेंगे वो इंडियन अमेरिकन एक्चुअली यूएसए पहुंच गए थे या तो 1990s में या फिर अर्ली 2000s में। और इस वीडियो में आप जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस कितना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गए यूएसए में, और एक बार को चाइनीज गवर्नमेंट का जो माउथपीस है उसने भी इसके बारे में क्या कहा था। और पहले मैं आपको बता दूं कि आज के समय वो कौन कौन सी लीडिंग मेजर अमेरिकन कंपनीज है जिनके हेड बन चुके हैं इंडियन अमेरिकन। तो यहाँ पर अगर हम देखें अभी रिसेंटली आपने सुना होगा पराग अग्रवाल ने जैक डॉर्सी को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दिया है एज द सीईओ ऑफ ट्विटर। ये अपने आप पे काफी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। उसके अलावा आपको पता होगा सुंदर पिचाई के बारे में, जब भी हम इंडियंस एक आर्गुमेंट हारने लगते हैं किसी अमेरिकन के साथ, यूरोपियन के साथ, सीधा सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल देते हैं। उसके अलावा सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं, फिर अरविंद कृष्णा भी एक बहुत ही बड़ा नाम है, आईबीएम को आज के समय लीड कर रहे हैं, ही इज द सीईओ ऑफ आईबीएम। उसके अलावा शांतनु नारायण ये सीईओ हैं एडोबी के, उस कंपनी के जिसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, हो सकता है कि आप भी यूज करते हो। इस कंपनी के सीईओ भी इंडियन है। उसके अलावा निकेश अरोरा ये पैलो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ है। पैलो ऑल्टो नेटवर्क आज के समय क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम है यूएसए में। अच्छा। और ये तो मैंने यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन जो मल्टी बिलियन डॉलर मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जो दुनिया भर में फैली हैं उनका नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके अलावा भी अमेरिका में आज के समय बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पर सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पोर्टेंट पोजिशंस पे आपको बहुत से इंडियन अमेरिकन मिलेंगे। इवन दो इंडियन अमेरिकन की जो टोटल आप अगर आबादी देख लो यूएसए की टोटल पॉपुलेशन में ये रफली 1% से लेकर 1.5% के आसपास है, तो ट्रिपेंडस सक्सेस हासिल करी है हमारे लोगों ने वहाँ पर जाकर। और एक बार को चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स 2018 में इसने भी ये बात नोट करी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने खुद कहा था, चाइनीज लोगों ने, ये खुद की असेसमेंट प्रॉपरली करते हैं काफ़ी बार, इन्होंने कहा था कि इंडियंस ने कम्प्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है चाइना को ओवरसीज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका रीज़न होगा ना, चाइना अपने जो होनहार लोग हैं उनको जाने नहीं देता,
देखो कुछ केसेस में होता है, मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, मगर ओवरऑल आप अगर देखो यूएसए में सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो तीन देशों से आते हैं। अच्छा। नंबर वन तो है मैक्सिको, मगर मैक्सिको से जो इमिग्रेशन होती है यूएसए में, इसमें से पहली बात तो बहुत सारी इलीगल तरीके से होती है। हाँ। फिर उसके अलावा जो लीगल तरीके से भी होती है उसमें ज़्यादातर लोग वर्कर्स होते हैं, या तो खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाते हैं। अच्छा। या फिर ऑल टुगेदर स्किल्ड लेबर होता है, फैक्ट्री में काम करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल के टॉप पर पहुँचने वाले मैक्सिकन जो यूएसए में गए हैं उनकी संख्या आपको बहुत ज़रा कम मिलेगी। फिर मैक्सिको के बाद सेकेंड नंबर है चाइना का। बहुत से चाइनीज आज भी हर साल जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए, कई चाइनीज यहीं पे बच जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया का नाम। अच्छा। मगर तब भी चाइना से पीछे रहकर भी आप देख रहे हैं ऑल टुगेदर इंडियंस ने कम्प्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है चाइनीज अमेरिकन को इन यूएस, और ये बात चाइना का ग्लोबल टाइम्स खुद एडमिट कर चुका है। और इन लोगों ने आगे ये भी कहा था कि इसका रीज़न ये है कि कॉरपोरेट मैनेजमेंट में इंडियंस बहुत अच्छे हैं और चाइना को अपना खुद का जो होम ग्रोन टैलेंट है ये इम्प्रूव करना होगा अगर हमको कैचअप करना है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, अगर इतने सारे इंडियंस इंडिया से बाहर निकल के यूएसए में इतना कुछ अकॉम्प्लिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इंडिया में बहुत से लीडर्स पैदा हो रहे हैं, बहुत से लोग पैदा हो रहे हैं जिनकी एक सोच है कि कंपनी को ग्रो कैसे करना है। ऐसे लोग कल को अगर इंडिया में काम करना स्टार्ट कर दें, जो हम देख रहे हैं कि आज के समय हो भी रहा है, तो उससे हो सकता है कि इंडिया में कल को मेजर कंपनीज खड़ी हों। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि इंडियंस ने किस तरीके से मैक्सिकन अमेरिकन और ब्रिटिश दुनिया भर के लोगों को बीट कर दिया, अफ्रीकन्स को बीट कर दिया, जापानीज लोगों को, रशियंस को। किसी भी नेशनैलिटी की इतनी डोमिनेंस आपको नहीं मिलेगी दुनिया की टॉप कंपनीज में जितनी इंडियंस की है। तो इसका रीज़न क्या है? देखो रीज़न बहुत सारे हैं। नाउ सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स मैटर करती है। जो चाइनीज लोग जाते हैं चाइना से यूएसए में, उनकी लैंग्वेज स्किल्स उतनी ज़रा डेवलप नहीं है जितनी इंडियंस की होती है। बहुत से इंडियंस हैं जो आराम से अपनी इंग्लिश और ज़्यादा एक्सेंट के हिसाब से इम्प्रूव कर लेते हैं और आराम से अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर में कॉम्युनिकेट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप सामने वाले आदमी को अपनी बात सुनाओगे नहीं, बात नहीं कर पाओगे उससे प्रॉपरली, तब तक कैसे आप प्रमोशन पाओगे, कैसे आप कंपनी में अपने आइडिया शेयर करोगे। ये फैक्टर तो ये है। फिर एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो देखा गया है वेरियस कॉर्पोरेशंस में, परसवेरेंस। परसवेरेंस क्या होता है? परसवेरेंस होता है कि हार ना मानना, टिके रहना। ये बात इंडियंस में बिल्कुल मौजूद है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार नहीं मानते, हम हारते नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर में इसका सिंपली मतलब ये है कि इंडियंस देखा गया है कि ज़्यादातर एक कंपनी के साथ ज़्यादा लॉयल रहते हैं बहुत ही लंबे समय तक। एक कंपनी के सीईओ बनने की वैसे काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनमें से एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप उस कंपनी के साथ बने रहें बहुत ही लंबे समय तक, स्पेशली जब आप एक इमिग्रेंट आप बाहर से आए हैं। वेरस देखा गया है कि रशियन जब जाते हैं यूएस में काम करने के लिए तो एक टाइम पर बहुत सी कंपनीज चेंज करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक जगह काम कर करके। चाइनीज लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इंडियंस उस मामले में मेंटली बहुत ज़्यादा टफ हैं, वेट करते हैं, वे परसवियर और धीरे धीरे कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करते करते ये सीईओ बन जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नडेला साहब आज के समय माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि रातों रात इनको कहीं से भी पकड़ के सीईओ बना दिया। नहीं, नहीं। ये दो दशकों तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करते रहे, उसके बाद इनको सीईओ बनाया गया था। सुंदर पिचई का एग्जाम्पल आप अगर देखो तो 2004 से लगातार गूगल में काम करते रहे, तब जाकर सीईओ बने। इंद्रा नूरी जी का एग्जाम्पल आप अगर देख लो, हालांकि आज के समय पेप्सिको की सीईओ ये नहीं रही है, मगर एक टाइम पर जब ये सीईओ बनी थी उससे पहले इन्होंने दो दशकों तक काम किया था पेप्सिको में, लॉयल्टी दिखाई थी कंपनी को। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ह्यूमिलिटी। जब तक एक ह्यूमन बीइंग में विनम्रता नहीं होगी, उसमें सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएगा। और जब ये ट्रेट आप टैलेंट के साथ अपॉर्चुनिटी के साथ मिक्स कर देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है ईजियर अडेप्टेशन। ये बात जो चाइना का सरकारी मीडिया उसने कही थी 2018 में कि इंडियंस अडेप्ट बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। चाइनीज नागरिकों को आप देखोगे, फॉर एग्जांपल एक घंटे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हाँ। अब चाइना के लोग आज के समय धीरे धीरे पाकिस्तान की जो की लोकेशंस हैं वहाँ पे अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। ग्वादर। अच्छा। के पास आप अगर देखो बहुत से चाइनीज सेटलमेंट्स बननी स्टार्ट हो गई है और चाइना के लोगों को खुद का अपना एक स्पेस चाहिए होता है। इनकी अलग से कॉलोनी बनती है, वहाँ पे चाइनीज फूड आपको मिलेगा, चाइनीज वाइन आपको मिलेगी। उसको लेकर अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हुआ था। जापानीज लोग इंडिया में आते हैं, आपको पता होगा जापानीज लोगों के लिए इंडिया में अलग से टाउन बन रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ जापानीज लोग ही रहते हैं, उनका रहन सहन अलग ही होता है, तो उनको एक अलग टाइप का ही चाहिए होता है। तो ये आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ये कमजोरी है। कमजोरी कि ये घुल मिल नहीं पाते आराम से अपने अलग। इंडियंस का अलग ही हिसाब किताब रहता है।
हम काफ़ी इजीली अडाप्ट कर लेते हैं, दूसरे के कल्चर को समझ लेते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडियंस के टॉप पे पहुंचने का। नहीं तो आप अगर सोच कर देखिए, जापान और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तब भी ना के बराबर बहुत ही मुश्किल आपको देखने को मिलेगा कि जापानीज लोग यूएस में गए हों और वो कॉरपोरेट लैडर चढ़ के सीईओ या फिर कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बने हों। तो देखिए, टैलेंट हमारे देश में मौजूद है। अब तक ये टैलेंट बाहर ही जाता रहा था, बाहर जाकर भी देश के लिए कुछ नाम तो कमाया ही है, मगर अब टाइम आ चुका है कि जो रेपुटेशन हमने अर्न कर ली है कि इंडियंस बहुत ही अच्छे से कॉर्पोरेट कल्चर समझते हैं, अडाप्ट जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सीखते हैं, सेम वही बातें हमको इंडिया में दोहराकर अपनी जो स्टार्टअप्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में आपको एक इंडियन माइक्रोसॉफ्ट दिखे, इंडियन गूगल दिखे, जो दुनिया भर में फैल जाए, दुनिया भर में नाम कमाए, दैट डे इज एब्सोल्युटली नॉट फार अवे एट ऑल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से हम कुछ और स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हमारा जो टैलेंट है इंडिया का, ये इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। आपके हिसाब से व्हाट आर द मोर स्टेप्स दैट वी कैन टेक, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो यूपीएससी कोर्स अकेडमी का अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, व्हिचएवर यू चूज। मगर ये अभी के लिए एक ऑफर चल रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको मिल रहा है हैवी डिस्काउंट, द प्राइसेस आर क्वाइट लो। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, प्राइसेस यहाँ पर फिर से बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप आज में कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे इन योर टोटल पैकेज। सो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, नाउ इज़ द राइट टाइम टू बाय इट। यूज़ करिए प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी तो दोस्तों आपने देखा इतनी प्यारी वीडियो, बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग, वाओ, वेरी नाइस। आपको जय मुबारक हो, पराग अग्रवाल जो है सीईओ बन गए हैं ट्विटर के, और इससे पहले सुंदर पिचाई और बहुत सारे ऐसे नाम है जो बहुत सारे नाम गूगल के, और जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जो है ना चीफ हैं, और बड़े बेहतरीन और बड़ा अच्छा। आपने एक देखा सिमल के इतनी कम एज में जो है सीईओ बने? जी हाँ, मैं यही देख रही थी, माशाल्लाह से कितने यंग हैं वो, और उन्होंने इस उम्र में अभी माशाल्लाह से इतनी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, तो आगे पता नहीं वो क्या करेंगे। यानी ये सबसे कम उम्र लग रही है जितने भी सीईओ। जी जी, पराग अग्रवाल, बिल्कुल पराग अग्रवाल जो है सबसे छोटी उम्र के लग रहे हैं, और मजे की बात है अभी छोटी सी उम्र में जो ये सीईओ बन गए, कुछ खेल कर लिया, मतलब ये कि आगे चल के तो इनकी अपनी कंपनियां होंगी, बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं। और हाँ। आपने सिवन देखा कि इंडिया के जो लोग हैं वो बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं, बिल्कुल माइंडेड जो है ना, यानी कि एक जगह अगर काम करते हैं तो एक जगह रुक के काम करते हैं, यानी कि सब्र से, तहमुल से, बहुत इजी लेते हैं हर चीज को, कि नहीं आखिर आज नहीं तो कल हमें फल मिलेगा, और मिल रहा है। ऐसे लोगों को जो टैलेंटेड होते हैं उनको बड़ी बड़ी ऑफरें आती हैं, हमारे पास आ जाओ, हम आपको ये दे देंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी साइन है कि बहुत बड़ी बात है कि इंडियन जो लोग हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं वो अपनी एक ही जगह पे, कहते हैं ना पत्थर एक जगह भारी होता है, हाँ। तो एक जगह पे उन्हें पता है कि यार हम काम अच्छा कर रहे हैं, हम यहीं पर ही यहीं पे इम्प्रूव करेंगे ना, लालच करके कहीं और क्यों जाएं, फिर वहां से भी ना रहे, तो इसलिए ये तमाम जितने भी लोग हैं 10-10 साल 15-15 साल एक ही कंपनी में उन्होंने काम किया, काम को समझा, कंपनी के बेनिफिट में काम किया, और आज जो है वो अपनी कामयाब कंपनियों में कामयाब तरीन बने हुए, आज तो बिल्कुल लेजेंड बने हुए हैं माशाल्लाह। सिमर शेख की तरफ से दोबारा आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, बिल्कुल। एक बात और इस वीडियो के तहफ़ुज़ से कि हमें ये पता लग रहा है कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, कितना एजुकेशन हासिल कर लिया उसने, कितने ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने आप को उसने, हर चीज़ में, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही बताई ना कि भाई इंडिया वाले इसलिए कामयाब हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मीन चाइनीज के मुकाबले में वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। हाँ, एक बच्चा शुरू दिन से जो है इंग्लिश बोल रहा है, बिल्कुल, तो आगे जाके जब वो यूएस जाता है, हाँ, यूएस के लोगों में जो है बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज
लैंग्वेज और उसी माहौल में पल बढ़ जाते हैं, जबकि चाइनीज जो गए उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी इंग्लिश में, या वहाँ की जो कंट्री है वहाँ पर तो चाइनीज ही सिखाई जाती है उनका कल्चर खाने पीने का। अच्छा फिर एक चीज़ और, हर कौम में जो है ना एक चीज़ टूट टूट के भरी हुई होती है कि हर आदमी जो है ना अपनी कौम को लेके आगे चल रहा होता है, तो चाइनीज जो है ना अपनी चाइनीज जो उन्होंने कल्चर है उसको अपनाते हैं इंडियन जो है वो अपने उसको सब जगह जो है मर्ज बिल्कुल बिल्कुल। तो चाइनीज जो है अपनी एक जगह में जो है ना जो सराउंडिंग में जो है कॉलोनी बना लेते हैं, उस कॉलोनी में रहते हैं और अपना कल्चर अपना खाना चाइनीज फूड खा रहे हैं, तो जो है ना अपना जो रहन सहन है उनका चाइनीज तरीके का होता है, जबकि इंडियंस जो है वो उस माहौल में जाके एडजस्ट हो जाते हैं और उस माहौल को जो है गेन कर लेते हैं और कंपनियों में जो है ना बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुँच गए। तो सिमल आपने देखा कि इसमें एक बहुत ही मशहूर शख्सियत का भी नाम लिया जो दुनिया के कमेंट आया हुआ था उनका, एलन मस्क। ओह बिल्कुल, उनका एक बड़ा किरदार है इस वीडियो में, बड़ी बात है कि उन्होंने कमेंट किया है वीडियो पे। वाह, आप वाकई जो है ना इंडियन जो है यूएस में जाकर सक्सेसफुल है, बिल्कुल बिल्कुल सक्सेसफुल काम करते हैं, और हमें भी इस बात की खुशी कहते हैं जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी उनको है, सराहा जाएगा। ऐसे लोगों को देख के जो जो यंगेस्ट हैं उन लोगों को ऐसी वीडियो दिखानी चाहिए और उनको उनमें एनर्जी भरनी चाहिए, देखो जब ये जा सकता है इतनी बड़ी, तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस पोस्ट पे जाने के लिए लाजमी है एनर्जी, मेहनत लगाओ, मेहनत और पढ़ाई बिल्कुल स्ट्रगल की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस कंपनी में भी काम करें उसके बेनिफिट में काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको जो है उसका सिला जरूर देगा। बिल्कुल, और अगर आप बेनिफिट में ही काम करेंगे अपनी लालच करेंगे तो समझो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड किया और कंपनी ने देखा कि यार ये सक्सेसफुल लोग हैं, आज तो ये आज आज देखिए उनका नाम बिल्कुल दोबारा में उनको जो है बधाई हो उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से भी, और मुझे इस बधाई के साथ ही है हमें रुखसत दें, मना रुखसती दें, चलते हैं डॉक्टर साहब को रुखसती चाहिए, यानी इजाज़त दें। बिल्कुल, हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते डॉक्टर साहब कोई मैसेज है आपका? चलते चलते मेरा तो एक ही मैसेज है कि आपकी जिस तरह हमें इस वीडियो को देख के एनर्जी आ गई हमारे अंदर, बिल्कुल तो आप हमारी वीडियो से आपके अंदर आ जाए, और आपके सब्सक्राइब करने से और अपने दोस्तों बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, बड़ी जो है ना एक जिद्दत आ जाती है और बड़ा खुश होते हैं हम। बिल्कुल, तो आपकी बस यही चाहिए हमें प्यार और मोहब्बत, और आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उन पर भी आप हमारे कमेंट्स दे दिएगा, और ताकि हम इन ऐसी वीडियोस पे जो ना रिएक्शन दे सकें। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।